चलिए कुछ और अहम खबरों का जिक्र करेंगे, बात करेंगे। मुख्यमंत्री साय थोड़ी देर में पहुंचेंगे रायपुर, जहां कल देर रात दिल्ली पहुंचे थे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। गृहमंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की थी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात हुई थी। देर रात को ही विष्णुदेव ने की थी मुलाकात। तो आप ये देखिए कि उस मुलाकात की कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की थी। और आज थोड़ी ही देर में रायपुर भी पहुंच जाएंगे सीएम साय। तो कल देर रात दिल्ली का दौरा उनका था, देर रात दिल्ली पहुंचे थे, जहां पर कुछ प्रमुख उन्होंने मुलाकात की थी, केंद्रीय गृह मंत्री और साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की थी। और देर रात मुलाकात की जो तस्वीर सामने आई है वो भी आपको दिखा रहे हैं। साथ ही आज अब वे रायपुर पहुंचने वाले हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त बजट सत्र की शुरुआत हुई है और बजट सत्र इन दिनों चल रहा है, इसमें शामिल होने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और अब बात करेंगे बलौदाबाजार में धड़ल्ले से रेत का अवैध खनन जारी है। खनिज विभाग इस पर रोक लगाने में नाकाम रहा। रोजाना डोंगरी डीह में महानदी से रेत का अवैध खनन हो रहा है। लोगों का कहना है कि शिकायत के बाद भी खनिज विभाग के अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते। महानदी किसानों के लिए उपयोगी नदी है, लेकिन यहां से जिस तरीके का अवैध रेत खनन धड़ल्ले से हो रहा है, इससे किसानों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। नदी यानी कि छत्तीसगढ़ उड़ीसा की जीवनदायिनी नदी, हम इस समय नाव में मौजूद हैं, देख सकते हैं ये महानदी है। और महानदी यानी कि छत्तीसगढ़ उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है और जीवनदायिनी नदी है, क्योंकि यहाँ किसानों के लिए भी फायदेमंद है और जो आसपास के लोग हैं उसके लिए भी महानदी फायदेमंद है। ये है महानदी। महानदी का जिस तरह से उपयोग किसान करते हैं, उसी तरह से खनन माफियों द्वारा इसका दोहन भी कहा जा सकता है। लेकिन बलौदाबाजार जिले की महानदी में आज खनन माफियाओं द्वारा लगातार पिछले कई सालों से रेत का खनन किया जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं एक खनिज विभाग की भी और प्रशासन की भी लापरवाही की जा सकती है कि इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसकी पूरी रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे न्यूज 18 पर। योगेश यादव, न्यूज 18। और अब आपको कोरबा लेकर चलते हैं, जहां एक युवक बिजली टावर के ऊपर चढ़कर खूब हंगामा किया। बताया जा रहा है कि युवक नशे की हालत में बिजली टावर पर चढ़ा था। तस्वीरों में देख सकते हैं युवक टावर के ऊपर चढ़ा हुआ है, तो वहीं पुलिस युवक को नीचे उतारने की तमाम कोशिशें करती नजर आई। इस हाई वोल्टेज ड्रामा घंटों चलता रहा। भारी मशक्कत के बाद युवक को नीचे उतारा गया और ये पूरी घटना खड़फड़ी पारा मोहल्ले की बताई जा रही है। खबर बिलासपुर से, जहां एटीएम तोड़कर चोरी करने की कोशिश की गई, पुलिस ने नाबालिग को पकड़ लिया। आप ये देखिए कि गोल बाजार चौक स्थित एटीएम को तोड़ने की कोशिश नाबालिग कर रहा था और आरोपी ने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। तस्वीरें भी देखिए, जहां पर एटीएम तोड़ भी दिया गया। दरअसल रुपए चोरी करने की कोशिश यहां से की जा रही थी, लेकिन इसके पहले ही कि इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाता, पुलिस ने नाबालिग आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। खबर राजनांदगांव से, राजनांदगांव में तेंदुए की खाल के साथ तीन आरोपी गिरफ्तार किए गए। आरोपियों से तेंदुए की खाल जब्त की गई है। खाल बेचने की फिराक में आरोपी घूम रहे थे, कोई ग्राहक ढूंढ रहे थे, लेकिन इसके पहले ही राज्य उड़न दस्ता और वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए इन्हें गिरफ्तार कर लिया। मामला खैरागढ़ वनमंडल के साल्हेवारा का। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवपुरी पहुंचे, जहां वह खनिया थाना में आयोजित हितग्राही सम्मेलन में शामिल हुए और इस दौरान सिंधिया का अलग ही अंदाज देखने को मिला। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया लोकगीत पर कलाकारों के साथ नाचने लगे। सिंधिया का यह रूप शिवपुरी गुना संसदीय क्षेत्र के चार दिवसीय दौरे के अंतिम दिन दिखाई दिया। ये तस्वीरें देखिए।
और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।